की ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी, तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी, देवरानी हो जेठानी, ओ देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर, रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर, बड़ी बहू सीधी साधी है छोटी है सयानी, एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी, देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। हाँ शिल्पा, क्या है ना कि हमारा जो ऊपर गेस्ट हाउस है ना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना उसका प्रॉपर यूज किया जाए। मैंने सोचा है कि उसको लेकर मैं बिजनेस शुरू करूं, यानी कि अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं अपने एक मित्र को जो कि चाइना से आ रहा है उसे एज अ पेइंग गेस्ट रखूंगा, और एक दिन के लिए वो हमें अच्छा पैसा देंगे। अरे हिंदी नहीं समझती तो अंग्रेजी में बात करो। अरे जीजा जी, इसको तो लगता है ससुरे को अंग्रेजी भी नहीं आती, हमने बात करने की कोशिश की थी। आधी रात हो गई अभी तक सोए नहीं जी, बस वो जा ही रहे थे सोने, है ना शिल्पा? लेकिन जेठ जी, आपका वो चिंग चोंग चाइनीज फ्रेंड वो सोया ही नहीं। शिल्पा उसके बारे में बात मत करना। सागर। हाँ। हमने सोच लिया। का? अब हम खुद का अपना होटल खोलेंगे। यार जी कुछ भी सोचा करते हो, अरे ना पैसा है ना जमीन है, कहाँ से होटल खोलोगे? यार तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तुम चबड़ 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 चबड़, कभी हमारी बात सुन भी लिया करो पूरी। तो कहो भाई। बस यही कि हम अपना खुद का होटल खोलेंगे तो खोलेंगे। देख रहे हो ना ये चिंगचोंग कहाँ? अरे अरे यहाँ कहाँ गया? हम तो उसको ऊपर सुला के आए थे। बेवकूफ, यहाँ वहाँ कहीं नहीं आया। चिंगचोंग जैसा अगर एक गाहक हमें 10,000 रुपए दे सकता है, तो एक हफ्ते में अगर हम ऐसे 4 गाहक ले आए तो मतलब कि एक हफ्ते में 40,000 रुपए कमा सकते हैं, यानी कि 1 महीने में 1,20,000 रुपए। अरे ठीक है ठीक है, तो इसका मतलब कि 4-5 महीने के अंदर हमारे पास 6-7 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ। और जगह की तो हमारे पास कमी है ही। हाँ, अपना घर है ना, तो 7 लाख में हम एक अपना छोटा मोटा होटल तो खोल ही सकते हैं कि नहीं? हाँ, अजब होटल खुल जाएगा ना जिज्जा जी, उसके बाद हम और तुम वो हो जाएंगे। अरे वो जो सलमान और जो है वो गोविंदा थे ना, अरे वो जो उनके बीच में वो थी जो ना हिंदी बोल पाती थी और ना ही अंग्रेजी सही से, क्या कहते हैं वो? यार क्या कहते हैं, पको ना। अरे वो कलकत्ता काफी कुछ ऐसे ही। ओ बेवकूफ, कटरीना कैफ। हाँ वही कटरीना। वो तो मेरी क्लाइंट है, अभी हाल फिलहाल में मैंने उसका फोटो सेशन किया था। खैर बात दूसरी है कि उसने अभी तक मेरी पेमेंट नहीं करी है। जीजा जी, सब फ्री फंड वाले मिलते हैं तुमको, चाहे कटरीना हो चाहे पटरीना हो। अब क्या करें, और तुम उस फिल्म की बात कर रहे हो जिसमें गोविंदा और सलमान थे, यानी कि पार्टनरशिप। बहुत देर से गॉट इट किया। पार्टनर वही वही। क्या मतलब तुम इस होटल में मेरे साथ पार्टनर बनना चाहते हो? आपका का है? नहीं नहीं, क्या बुराई है? बुराई कहाँ है, देखो चिंगचांग को हमें बुलाए थे। अरे तो जरूर हमारे पार्टनर बनोगे, और होटल का नाम रखेंगे हिंदुस्तानी पार्टनरशिप होटल। जीजा जी, अरे जीजा जी पुलिस आई है, पुलिस। कह रहे राहुल शर्मा तू है क्या? हाँ मैं ही हूँ, नहीं तो तुम होगे क्या? बोलिए इतनी रात गए, परेशान करने क्यों आए हैं? तमीज, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो?
जानते हो कि मैं कौन हूँ? अरे दरोगा जी, अभी आप ही ने तो कहा कि आप पुलिस वाले हो। वैसे भी चिल्ला के बात करने में दो ही लोग माहिर होते हैं। सही कहते हो तुम। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? बहुत मजा आ रहा तुमको मजाक उड़ाने में। एक बार पता चल जाने कि वो यहाँ छुपा है, उसके बाद तुम दोनों को ऐसा अंदर करूंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे। वैसे भी आप हमें क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मुझे खबर मिली है कि अंतरराष्ट्रीय डॉन यानी कि अंडरवर्ल्ड का डॉन तुम्हारे घर में छुपा हुआ है और तुम लोगों ने उसे पनाह दी है। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? वो जॉन भी है डॉन मान, वो हमारे घर में क्या करेगा? देखिए दरोगा जी, आप खुद ही देख लो, घर में आ गए हो, देखो कितने शरीफ लोग रहते हैं यहाँ पर सब हैं। देखो मुझे तलाशी लेनी है तो लेनी है। हाँ हाँ, शौक से लीजिए हजूर, सर्च वारंट है आपके पास? है आपके पास सर्च वारंट? पाइजे तुला, ये महेश भट्ट की फिल्म नहीं है जो कि तू मुझसे पूछे कि सर्च वारंट आपके पास है और मैं मुंह उठा के यहाँ से चला जाऊँ? ये पुलिस के काम में दखलअंदाजी करने का नहीं, क्या बोला ना? एक बार वो पता चल जाए कि यहाँ पे है, तुम दोनों को ना मार मार के इमरान हाशमी बनाएगा मैं। अरे अब वो मुंबई पुलिस जी, दरोगा जी, वो सब तो ठीक है, इमरान हाशमी बना दोगे, लेकिन देखो शरीफों का घर है, सब सो रहे हैं अभी। देखो तलाशी लेना है ना तो बाद में लेना ना, अभी तो सब सोए हुए हैं घर में। जी नहीं, मुझे तलाशी अभी लेनी है तो बस अभी लेनी है। पता चल जाए कि यहाँ पे है, तुम दोनों को ना मार मार के इमरान हाशमी बनाएगा मैं। अरे अब वो मुंबई पुलिस जी, दरोगा जी, वो सब तो ठीक है, इमरान हाशमी बना दोगे, लेकिन देखो शरीफों का घर है, सब सो रहे हैं अभी। देखो तलाशी लेना है ना तो बाद में लेना ना, अभी तो सब सोए हुए हैं घर में। जी नहीं, मुझे तलाशी अभी लेनी है तो बस अभी लेनी है। अरे ये क्या शोरगुल है? कौन है? अच्छा तो आप है जो उस गुनहगार को अपने घर में पनाह दिया है? अरे पुलिस जी, मैंने सिर्फ मेरे सारे सागर को यहाँ पनाह दिए, मुझे नहीं लगता कि ये अंडरवर्ल्ड का डॉन है। नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो नेपाल के पुलिस के हिरासत से भागा हुआ मुन्ना नेपाली है। बहुत ही खतरनाक गुंडा है वो, ड्रग्स का बिजनेस करता है वो, और उसके ही साथी को आज मैंने पकड़ा है और उसने ही मुझे बताया है कि मुन्ना नेपाली को इस घर में पनाह दी गई है। समझ में आया तुम लोगों को? इस घर में कैसे होगा हुजूर, इस घर में कोई नहीं है हमारे घर के सदस्यों के अलावा। अरे पुलिस वाले साहब, अब आप ही बताइए, क्या नाम बताया था आपने उसका? मुन्ना नेपाली। वो मुन्ना नेपाली को हम अपने घर में क्यों रखेंगे भला? देखिए, ना नेपाल में हमारा कोई रिश्तेदार है ना कोई दोस्त। वैसे भी अगर आपको शक हो रहा है तो आप घर की तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, चलो मैं तुम लोगों के घर की तलाशी नहीं लेता हूँ। तुम लोग सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम्हारे घर में तुम्हारे फैमिली मेंबर के अलावा कोई दूसरा आदमी भी है क्या? अब घर में घर के लोगों के अलावा एक हमारे गेस्ट आए हुए हैं चीन से, बस वो हमारे गेस्ट बनकर आए हैं और वो हमारे गेस्ट रूम में रुके हुए हैं। चाइना से मिस्टर चिंग चौंग, तो दिखने में कैसा है? अब दरोगा जी, दिखने में क्या बताएं, अब चीनी जापानी नेपाली सब एक ही जैसे लगते हैं, तो ऐसे ये सागर गढ़वाली भी वैसे दिखते हैं। नहीं नहीं नहीं, गढ़वाली कैसे होते हैं मुझे पता नहीं, मगर मुझे उसको देखना है एक बार, तुम लोग मुझे उसको बस दिखा दो। नहीं नहीं हुजूर, अभी नहीं मिल सकते हैं, इतनी रात गए। अगर आपको मिलना ही है तो आप सुबह आ जाइए, बिल्कुल आप मिल सकते। सांगरे तिला, बहुत किटकिट करते हो तुम। मैंने बोला ना, मुझे अभी मांगता है तो अभी मांगता है क्या? ठीक है सागर, ऐसा कर, जा अपने गेस्ट रूम से लेकर आ जा। नहीं नहीं भाई साहब, इतनी रात के वो हमारे गेस्ट बनकर आए हैं और गेस्ट को हम तकलीफ नहीं दे सकते हैं इस तरह। अरे भाई साहब, आप हमारी बात भी कभी। बस बस बस, मैंने कहा ना। अरे छोटके जीजा जी और मझले जीजा जी, अरे काहे टेंशन ले रहे हो आपस में? हम लेके आते ना वो चीनी चिंग चांग को, आप टेंशन मत लो, खड़े रहिए। पर सागर डिस्टर्ब मत। अरे छोड़ो यार, जल्दी लेकर आओ। भिखारी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, देखते हैं ना। क्या चीची? मिस्टर शर्मा,
मैंने कहता था कि मुन्ना नेपाली आपके घर में छुपा हुआ है। नहीं सरकार, अब हम कोई मुन्ना नेपाली नहीं हूँ, मैं चिनचांग हूँ, चीन से। अरे तो हिंदी बोलना भी जानता है, हिंदी इतनी जल्दी सीख गया। अरे इतना ही नहीं, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अंतरराष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड का डॉन है ये। और तू चीनी जापानी, चल हवालात में मैं तुझे सारी भाषाएं सिखाता हूँ, चल। अरे चल, बड़ी मारती थी, हार जल में बंद कर दी। राहुल ये तो तेरा दोस्त था ना, सागर का था। अच्छे काम है। जा जी, अरे वो मीनू का बना रहे थे, जरा बताओगे? लगता है कि फोलियो ही बनाने पड़ेंगे। हमको भी लगता है कुछ दूसरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। किस्मत एक ही कलम से लिखी गई हमारी तुम्हारी, जिज्जा जी हम कसम से बता रहे हैं, जहां साला हाथ डालते हैं वहीं सब गड़बड़ हो जाता है। हम जा रहे हैं। गंदा है भाभी, अभी हम बस बेटा। हाँ पापा। अच्छे से साफ सफाई करना बेटा, एकदम नया घर लगना चाहिए। वैसे मुझे तुम पर तो पूरा भरोसा है। अच्छा बेटा ये बात बताओ, ये हमारी दोनों बहुएं गई कहाँ? कौन, रीना और मीना? भाभी वो दोनों तो शॉपिंग करने के लिए गई है, भैया जो वापस आ रहे हैं। बस हो गई छुट्टी, इन दोनों को तो बस शॉपिंग करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, शॉपिंग करने का बहाना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा इतने सालों से आ रहा है तो उसके लिए कुछ तैयारियां करे, कुछ अच्छा खाना पीना बनाए, पर नहीं, अच्छे से जेवर पहनो, साड़ियां पहनो और घूमो और शॉपिंग करो और खर्चा करो। ओहो पापा, आप तो बस उन दोनों को डांटने का मौका ही ढूंढते रहते हैं। आपको पता है रीना भाभी कितनी कितनी खुश है, मैंने उनको इतना खुश कभी नहीं देखा। पिछले कुछ दिनों से मैं उनके मुंह पे सिर्फ एक ही गाना सुन रही थी, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। पर जब से उन्हें पता चला है कि भैया वापस आ रहे हैं तो उनके मुंह का गाना भी चेंज हो गया है, वो हमेशा अब एक ही गाना गाती है, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। ओ पिया की घरवाली, बस करिए गाना, मैंने सुबह से कुछ नहीं पिया। इसका मतलब पापा आपने पीना भी शुरू कर दिया? पगली, मैं चाय की बात कर रहा हूँ बेटा। क्या ससुर जी, आप भी ना बस हमें डांटने के मौके ढूंढते रहते हैं। जेठ जी घर आ रहे हैं कितने दिनों बाद, जेठानी जी कितने खुश हैं, लेकिन इनसे मेरी खुशियां देखी कहाँ जाती हैं? अब आ रहे हैं ना वो, पिछले 2 सालों में आपने मुझसे जैसा बर्ताव किया है ना, सब बता दूंगी उन्हें सब। बस तुम औरतों को अपने सास ससुर की चुगलियां अपने पति से करना ही आता है और कुछ नहीं आता, लेकिन धनंजय मेरा बेटा है ये मत भूलना। मैं उसे बताऊंगा कि इन 2 सालों में तुम दोनों ने मुझ पर कितने जुर्म ढाए हैं और मेरे कितने पैसे बर्बाद किए हैं अपनी शॉपिंग पर। पैसा पैसा पैसा, ससुर जी आप दिन रात बस पैसे के पीछे पड़े रहिए, कभी हम लोगों की खुशियों के बारे में भी कुछ सोचा है आपने? अब तुम्हारा पति आ रहा है ना, तो तुम्हारी खुशी के बारे में मैं क्यों सोचूंगा, अब वो सोचेगा। मेरा क्या होगा ससुर जी? ओए शर्म कर, अब शर्म कर, मेरा बेटा इतने सालों के बाद घर आ रहा है तो उसके लिए जरा तैयारी करो, कुछ अच्छा सा खाना पकाओ, जाओ अभी अंदर जाओ। मेरा पिया घर आया और राम जी, मेरा पिया घर आया और राम जी। तुम भी यहाँ क्या खड़ी रहोगी, अपने भाई का कमरा साफ करो बेटा, हाँ अच्छे से, अच्छी बेटी जा। अब मैं क्या करूं,
पर बाकी है पढ़ना। पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, अपने घर का एड्रेस कैसे भूल सकता हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। अपने घर का एड्रेस कैसे भूल सकता हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं आदमी से पूछता हूँ, भाई साहब एक मिनट क्या आप मुझे बता सकते हैं ये इलाका कौन सा है? एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कुछ गलत लग रहा है मुझे। इलाका जान के क्या कीजिएगा, ये बताइए कि आपको जाना कहाँ है। वेरी गुड, इलाका जानने से बेहतर है कि मुझे ये पता कर लेना चाहिए कि मेरा घर कहाँ है। तो आप मुझे बताइए कि ये तेली वाली गली में बजाज अपार्टमेंट कहाँ है? एक्चुअली मैं कई घंटों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। आप ऐसा हंस क्यों रहे हैं, कोई शक? नहीं नहीं, हंसने का कारण कुछ और है, कहीं आप उस घूसट बुढ़े के यहाँ तो जाना नहीं चाह रहे जो कि कसम खा रखा है कि एक ही पैजामे में पूरी जिंदगी निकालेगा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, उसकी बहुएं हैं, बहुओं से वो परेशान है। नहीं 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 नहीं, मैं श्यामा प्रसाद बजाज के यहाँ जा रहा हूँ। वही तो, वही वही, वो कंजूस मारवाड़ी मक्खी चूस तेली तेल में पानी मिला के खाने वाला। तमाचा क्यों मारे? मैं उसका बाप हूँ। तुम उसके बाप? लेकिन तुम तो फिर जवान लगते हो। अबे दूसरा तमाचा क्यों मारे? क्योंकि मैं भूल गया था और तूने गलत मान लिया, मैं बाप नहीं हूँ, बेटा हूँ। जल्दी बता कहाँ है घर उसका? वो देखो सामने है। कहाँ है वो? कहाँ है भाई? अबे वो है, देख सामने। तेरे हंसने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, पता बताने के लिए शुक्रिया। कोई शक? हेलो। कुछ नहीं था, वो रास्ते में एक पागल मिल गया था। बहुओं ने अपने ससुर को भूखा मार के मार डाला। दो बहुओं ने अपना घर में कैसे खिला पिला के मार डाला। पेपर में बस ससुर को ही मारने की खबरें आती है, और कुछ आता नहीं क्या? मैं खाऊ नहीं, चाय नहीं पीऊ, करूँ क्या पता नहीं। जब पेपर धनंजय तो ठीक है तुम्हारा नाम है, पर ये प्रताप कौन है? मेरा नाम तो प्रताप नहीं है। अरे पापा, धनंजय बजाज तो किसी चपरासी का नाम लगता है, इसलिए मैंने धनंजय के सामने प्रताप लगा दिया। धनंजय प्रताप लगाने से कितना वजन आ गया। धनंजय प्रताप बजाब, ओहो बहुत वजनदार नाम हो गया बेटा। चलो ठीक है, तुम्हारा नाम अच्छा हो गया, तुम आ गए, मुझे बहुत खुशी हो गई। अरे बेटा देखो बहू आ गए। अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ, बहू बेटा बट हाँ हाँ हाँ, अरे बहू जल्दी बाहर आओ, देखो बेटा आ गया। आप आ गए जी। मीना आरती की थाली लेकर आओ। मैं जाओ ना लेकर आओ। मीना बेटा जल्दी आ जाओ। दाजी मुझे आने दीजिए। आ जा, आ जा। एक मिनट एक मिनट। हाँ अब करो। नजर ना लगे, नजर ना लगे, नजर ना लगे, नजर ना लगे। बुझा दिया। तो क्या हुआ? अरे बुझ गया तो कोई बात नहीं, फिर से जला दो। लेकिन ससुर जी, दिए को बुझना तो अशुभ होता है। अच्छा? अरे कोई अशुभ अशुभ नहीं होता, और इतने दिनों के बाद मेरा बेटा घर आया है, कैसे अनाथ अनाथ बातें कर रही हो खुद भी। हाँ बेटा एक बात बताओ बेटा, जरा ऐसे खड़े रहो, तुम्हें फौज वाले खाना वाना नहीं देते क्या? दुबले पुतले हो गए। अरे नहीं नहीं पापा, मैं जानबूझ के खाना कम खाता हूँ, बस पीता ज्यादा हूँ। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि रीना है, मीना है, आप हैं, लेकिन पिंकी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? अरे रीना जरा अंदर जाके पिंकी को बुला लाओ। ससुर जी पिंकी घर में नहीं है। अच्छा घर में नहीं, वैसे तो सुबह से घर का काम कर रही थी। अरे गई होगी, यहीं कहीं आ जाएगी।
कोई शक? अरे शक कोई नहीं, बस अपनी सहेली को मिलने गई। अच्छा बेटा तुम चलो आराम कर लो, इतना लंबा सफर तय करके आयो, थक गए होगे ना। चलो आओ आराम करो, जाओ जाओ बेटा। ससुर के मारने की खबर आती, दो बहुओं ने ससुर को घसीट घसीट के मार डाला। अरे मैं कब मार अच्छा सागर अब मैं चलती हूँ। बैठो ना पिंकी। अरे मेरे भैया आने वाले हैं। अरे ये क्या बात है, तुम जब आती हो बस जाने के लिए कहती रहती हो। अरे आई हो थोड़ा मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करो हमसे, तुम भी ना बस पूरा रोमांटिक मूड की ऐसी तैसी कर देती हो। हाँ हम देखो तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम हमको हमेशा सताती रहती हो, बहुत मारेंगे तुमको। हाँ हम देखो तुमसे ब्याह करना चाहते हैं, तुमको अपने घर की दुल्हन बनाना चाहते हैं, तुम्हारा घर अपना बनाना चाहते हैं, दोनों साथ में वहीं रहेंगे। लेकिन का करें हम, जो भी हो का कहते हैं कि आइडिया ना लगाते हैं उसे फुस हो जाता है, पता नहीं का है। एक काम करता हूँ आपकी ना, एक नई तरकीब सोचता हूँ। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सयानी, एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी। देवरानी हो जेठानी।